कहीं तो है सपना और कहीं याद, कहीं तो हंसी रे कहीं फरियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही बुनियाद, यही बुनियाद। पल छिन तेरे मेरे जीवन की यही कोई बच्चा पहुंचा जी? नहीं, लाओ पट्टी बदल दो। खाली पट्टी बदलने से क्या होगा मास्टर जी? बोरिक से धोने से कुछ तो फर्क पड़ेगा। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इन खलाबियों के बीच रही हो फिर भी इस तरह की बात करती हो? इन खलाबियों के बीच रही हूँ इसलिए तो कह रही हूँ मास्टर जी। याद नहीं धर्मपाल के जख्म को कितना धोया सेका था, मगर फिर भी वो सब ठीक हो जाएगा। लाजो जी फिक्र मत करो। मुझे तो बच्चों की फिक्र हो रही है मास्टर जी। सब कल रात का क्या अब तक नहीं लौटा है, और रोशन को भी कई 10 दिन हो गए हैं, और भूषण भी उस दिन के बाद नहीं आया है। इस समय आए भी कैसे? सुइयां जरूर चल रही हैं, लेकिन वक्त वैशीपन के उसी लम्हे पर अटका हुआ है। हर कहीं लूटपाट, मार काट, आग सनी। मुझे तो लगता है मास्टर जी कि मैं अपने बच्चों का मुंह देखे बगैर मर जाऊंगी। नहीं, हौसला रखो लाजो जी, सब चंकी करेगा रब। ये सब तो इंसान ही कर रहा, रब नहीं। तो इंसान की अच्छाई पर भरोसा करो। इंसान की अच्छाई पर अब क्या भरोसा रहा? अगर वो ही ना रहा तो फिर जिंदगी में क्या रहा, दुनिया में क्या रहा? अगर हम इंसान हैं तो फिर इंसानियत पर भरोसा करना कैसे छोड़ सकते हैं? जो सियाने थे उन्होंने वक्त रहते छोड़ दिया। आप अब भी मत छोड़ो मास्टर जी। भूषण के सास ससुर अच्छे रहे जो जुलाई में हिंदुस्तान की ओर चले गए, हम भी तब चले जाते। जब हमें यही रहना है तो क्यों जाते? यहाँ हम लोगों को कोई नहीं जीने देगा चैन से, मरने तक नहीं देगा अपने आप, मार देगा। ये तुम नहीं बोल रही हो लाजो जी, तुम्हारी जुबान से भीड़ बोल रही है। संत 16 से तुम और मैं मिलकर लाहौर में काम करते आए हैं। इंसानी बिरादरी के उसूलों पर चले हैं हम लोग, भीड़ शाही पर नहीं। भीड़ के कहे पर चले होते तो तुम्हारी मुझसे शादी होती। नहीं हुई होती तो शायद ज्यादा ठीक रहता। मुझसे आपको मिला ही क्या, बस तकलीफ ही तकलीफ। सब कुछ मिला है लाजो जी, सब कुछ। ये रेडियो मत खोलो जी, आवाज बाहर गई तो दंगाई घुस आएंगे। इतना भी डर के क्या जीना, इंसानों की बस्ती में रहते हैं हम। हैवानियत का नंगा नाच हो रहा है मास्टर जी, को इंसानियत याद आ रही है। हैवानियत के इस दौर में इंसानियत को याद करना और कराना ज्यादा जरूरी हो जाता है लाजो जी। याद करो बेशक, मगर इस तरह की इंसानियत मेरे बच्चों को बचा ले।
अब बेकार है जी ज्यादा सोचना समझना, ना आपको जान पहचान का कोई फौजी मिलना है और ना आप पिताजी माताजी को बिच्छू वाली से निकाल कर ला सकते हो। समझने की कोशिश किया कर सतबीर, बिच्छू वाली से अगर कोई इंसान यहाँ तक आ जा सकता है तो फौज के पहरे में ही, बिना पहरे के आया तो दंगाई खुद फौजी उसे गोली से मार देंगे। राजी मैं कल रात आपके पास इस मारे आया था कि माता जी जख्मी हो गए थे, उनके लिए डॉक्टर की जरूरत थी। मैं कैंप में छिपने वास्ते तो नहीं आया था ना। कोई और इंसान होता तो इसी बात का एहसान मानता कि मुझे बचा कर रेफ्यूजी कैंप में ले आए, मगर इनका छोटा भाई है कि उल्टी सीधी सुनाता चले जा रहा। भरजाई जी मैं उल्टी सीधी नहीं सुना रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे बिच्छू वाली जाने दो। जाओ देवर जी, अब इतने छोटे तो नहीं रहे कि उंगली पकड़ कर ले जाए तुम्हारे पराजी। हाँ नहीं तो एक देवर जी है रोशन, ये इतने बहादुर कि घर से चले थे वो काड़े के लिए और शहादरे से ही लौट आए, और आ पहुंचे उसी भरजाई के पास जिसको ताने तिशने सुना रहे थे। एक दूसरे बहादुर हैं ये सतबीर। मैं अगर डरपोक होता तो घर से निकलता ही नहीं डॉक्टर बुलाने के वास्ते। मैं अगर बिच्छू वाली नहीं जा रहा तो इसलिए कि पराजी का हुक्म नहीं है, और हमारे यहाँ बड़ों के हुक्म के बगैर कुछ नहीं किया जाता। अच्छा, तो आप लोग कुलभूषण को बड़ा समझते हो। उस वक्त नहीं समझा जब इन्होंने आके कहा कि बिच्छू वाली छोड़ दो। प्लीज स्टॉप इट आई से। आई डिडंट बिगिन इट टू टेल यू द ट्रूथ। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस मिडिल क्लास सेंटिमेंटलिटी। ठीक है पराजी, तो मैं जाऊं। परजाई जी को क्यों सिक एंड टायर्ड करूं? पागल हुआ है? मैं जाके देखता हूं, शायद कोई पहचान का फौजी मिल जाए। आपको एक फौजी क्या, पूरी फौज मिल जाए, खुद कहीं जाने की जरूरत नहीं है। याद रखो कि आप बाल बच्चेदार हो, रोशन और सतबीर की तरह छड़े नहीं। सुना क्या कह रहे हैं जिना साहब? ठीक हो जाता। अरे तुम्हें तो बुखार है, घर में तो बुखार उतारने की दवा पड़ी होगी, मैं अभी लेकर आता हूँ। मुझे छोड़कर मत जाओ मास्टर जी, आपको मेरे को कसम मत दिलाना लाजो। अपनी लाजू जी को आखिर लाजू करके पुकार ही लिया आपने मास्टर जी। चलो मरने से पहले ये लफ्ज सुना तो आपकी जुबान से। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा लाजो, नहीं मरने दूंगा। रुको, इस महल्ले के भीतर गए तो गोली से उड़ा दिए जाओगे। क्यों, हमसे क्यों पूछने वाला, तू है कौन? मैं मास्टर हवेली राम हूँ। नाम हवेली राम है फिर भी पूछता है मुसलमानों के महल्ले में जाने से तुझे क्यों रोकते हैं? वहां जाके क्या करने का इरादा है? आगजनी, मेरी बीवी दंगाइयों की गोली से घायल पड़ी हुई है, मैं अपने दोस्त डॉक्टर सत्तार को लेने जा रहा हूँ। मक्कार झूठे, दफा हो जाए यहां से। मैंने आज तक जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला है जनाब। या तो आप मुझे डॉक्टर सत्तार के पास जाने दे या फिर उन्हें यहाँ बुला लाए। अरे आपके बाप, क्या तूने मुझे अपना नौकर समझ रखा है? आपका कोई ऑफिसर हो तो उसे बुला दीजिए। तेरे जैसों के लिए तो मैं ही बहुत बड़ा ऑफिसर हूँ। चल चला जाए यहाँ से। ये क्या अंधेर गर्दी है? कोई अंधेर गर्दी नहीं है,
कर्फ्यू है कर्फ्यू। क्या कर्फ्यू का ये मतलब है कि इंसानियत का हर तकाजा खत्म हो जाए? तकाजों का तो मुझे पता नहीं, तूने जरूर खत्म होना है। मैं डॉक्टर सत्तार को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। अरे सिविलियन नाफरमानी, तूने धरना देना है या अनशन करना है तो बैठ अपने घर जाकर। डॉक्टर सत्तार मेरे दोस्त है, आप मुझे उनसे मिलने से नहीं रोक सकते। जमूरे, तूने ज्यादा शोर किया तो तुझे तेरे दोस्तों से बचाना मुहाल हो जाएगा मेरे वास्ते। चल भाग यहाँ से। मास्टर जी, कहाँ हो मास्टर जी? छोटी बैठक में हो क्या? मोनिका जी कहाँ चले गए थे मुझसे झूठ बोल के? झूठ बोलकर गया था शायद, शायद इसीलिए डॉक्टर सत्तार को नहीं ला पाया। जाने ही नहीं दिया एक खर दिमाग फौजी ने। समझ में नहीं आता लाजो जी कि अब मैं क्या करूं। और कुछ भी करो मास्टर जी, मेरी खातिर फिर ऐसा खतरा मत उठाओ। शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति शांति रोषदय शांति वनस्पत शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांति देवा। पूछ के खोलना जी। कौन है? मैं एक फौजी अफसर। मेरे साथ आए पिताजी, खोल दीजिए। माफ करना जी, आजकल तो पहरेदारों से भी खबरदार रहने को कह रहा है जमाना। पैरी पौनो पिताजी। जी तेरा पुत्र? माता जी के आराम कर रहे हैं। भूषण, भूषण। पैरी पौनो माता जी। तुम सब कहाँ चले गए थे पुत्र? मैं तू आया ना रोशन लौटा, तो फिर भी चला गया। मैंने कितनी बार कहा था कि सब साथ रह लो, लेकिन बाप बेटे सब जिद्दी हो तुम। दंगों की वजह से फंस गए थे माता जी, बाहर बाहर कदम रखना ही मुश्किल हो गया था। अरे आपको तो बुखार है। तेरी माँ की बाह में गोली लगी। सत्यवीर गया था डॉक्टर को बुलाने, लेकिन कहीं फंस गया लगता है। सत मेरे पास ही आया था पिताजी, उसे कहीं डॉक्टर नहीं मिला। सत और मैं डॉक्टर की खोज में निकलना ही चाहते थे कि दंगे बहुत जोरों से शुरू हो गए। मैं उसे भी बाल बच्चों के साथ डीएवी कॉलेज कैंप ले गया। आप लोग भी वहीं चलिए। अब कैसे जाएं पुत्र? राशन की राह देखनी है। वो भी कैंप में है। चन्नी दम्मो और गुरदत्ता को ले आया? वो तो पहुंच ही नहीं सका उकाड़े। क्यों? उसकी गाड़ी शहर से जरा ही बाहर घेर ली गई। उसे तो कुछ नहीं हुआ? नहीं माता जी। लेकिन अब उकाड़े वालों का क्या होगा? वो भी किसी न किसी कैंप में पहुंच गए होंगे अब तक। मिस्टर कुलभूषण, आप लोग जरा जल्दी करो। आई एम सॉरी माता जी। जल्दी से कपड़े पेटी में डालिए और चलिए। इस समय खालिद साहब की मेहरबानी से हमें फौजी गाड़ी मिली हुई है। जीता रहे खालिद पुत्र, बड़ी तरक्कियां कर। शुक्रिया माँ जी, आप सामान संभालिए जल्दी। बड़ी मेहरबानी कीजिए आपने ऐसे वक्त में। मास्टर जी, आपके लिए इतना करना तो मेरा फर्ज बनता था। खालिद मोहम्मद वल्द गुल मोहम्मद, तस्वीर में कंपार्टमेंट आया था मैथमेटिक्स में, फिर मास्टर हवेली राम की ट्यूशन करके पास हुआ। जी सोलह वाले सही। अरे तेरे वालिद को भी मैंने ही पढ़ाया था, मालूम है तुझे? जी। और इंशाल्लाह जो तेरा पुत्र भी तेरे ही जितना होशियार होना हुआ ना, तो उसने भी करानी है मेरी ट्यूशन, मैंने ही पढ़ाना है उसे भी। बेशक, पहले वो पैदा तो हो जाए। ओ, 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 जी, मैं एडवांस में ही अपनी ट्यूशन पक्की करा। जीता रहे खालिद पुत्र, तेरे आने से इनका दिन में एक बार हंसने का नियम पूरा हुआ। चलिए माता जी। भूषण जी। पिताजी। पुत्र एक बात है, सत्यवीर ने कहा था कि दुकान लुट गई है। प्राजी मुझे बुला रहे हैं,
लेकिन मैं वहां जा नहीं सका। तुझे कोई खबर है? बुरी खबर है जी, ताजी की सब दुकानें जला दी गई। आखिर में उन्हें ग्वाल मंडी वाली दुकान में देखा गया था, उसके बाद उनका कुछ पता नहीं। जब उनके घर वालों को नहीं छोड़ा गया तो वो खुद क्या बच पाए होंगे? पर जाए जी, बच्चे सब? सिर्फ लबाया राम बचा। उससे ये बुरी खबर मिलने पर ही हमने कैंप में जाने का फैसला किया। तुम ऐसा करना कि मुझे कॉल मंडी के पास कहीं उतार देना, मैं थोड़ी पूछताछ करूंगा। पिताजी अब पूछताछ करने का वक्त नहीं रहा, वहां जाकर हद से हद लाश ही मिलेगी। लाश का क्या करोगे? अग्नि दूंगा। अग्नि तो जमाना अपने आप ही दे रहा है। हमारे साथ चलिए पिताजी, फौजी गाड़ी से उतर के आप कैंप नहीं पहुंच पाओगे। लाहौर में मेरा कौन क्या बिगाड़ लेगा? सो भी पुलिस थाने में, हिंदू हो या मुसलमान, इस शहर में हर किसी का मास्टर हवेली राम बीए का तवारीख और जोग्राफिया पड़ा हुआ है। मास्टर हवेली राम बीए का जोग्राफिया जल रहा है, उनकी तवारीख जल रही है, उनका लाहौर जल रहा है। ये मत समझिए कि आजादी की खुशी में आतिशबाजी हो रही है। अगर लाहौर जल रहा है पुत्र, तो मुझे भी इसके साथ राख हो जाना है। तो मुझे ग्वाल मंडी के पास उतार देना, मैं वहां से आप ही आ जाऊंगा। आप नहीं आ सकोगे, समझने की कोशिश कीजिए पिताजी। मास्टर जी हौसले से, ये वक्त खून खराबे का है। आप उस भाई के खातिर क्यों खतरा मोल लेते हो जो बराबर नोचता खोजता रहा? भाई भाई ही होता है, मुंड मुंड ही होता है। ठीक है, फिर मैं भी आपके साथ चलूंगी। पागल हुई हो क्या? तुम्हारे तो फौरन चीरा लगवाना जरूरी है। मैं सूरज डूबने से पहले ही कैंप पहुंच जाऊंगा। ऐसा कभी हुआ है कि मैंने वादा किया और फिर मुड़ गया उससे? मुझे खा ले तू तो। बच्चों को डांटती क्यों है बहू? ले पुत्र खा, निका तू भी ले पुत्र, जाओ खेल। बच्चों की तबीयत खराब होगी तो और भी मुसीबत होगी। घर में बनी चीज खाने से तबीयत खराब होती है? बच्चों को प्यार से रखा करती थी रानी। प्यार से ही रखती हूँ, प्यार से खुद पली भी हूँ। डैडी जी मम्मी जी तो मेरी ही वजह से जुलाई के आखिर तक यहीं रहे, हमें जाने ही नहीं दिया उनके साथ। यहाँ मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, वहाँ शिमले में मेरी बीमार डैडी मेरी याद में कलप रहे हैं। पर जाए जी, तो आपने भी चले जाना था अपने मम्मी डैडी के साथ। जिन्होंने जाने नहीं दिया वही आप कह रहे हैं चले जाना था? हम लोगों ने आपको नहीं रोका। आप नहीं रोका, आप पिताजी से रुकवाया, एक ही बात है। हमने किसी से कुछ? तू चुप कर रोशन, तुम लोगों को ऐसे वक्त में भी झगड़ों से फुर्सत नहीं। माता जी, खालिद साहब आए। आदावर भी माता जी। जीता रहे पुत्र, कुछ खबर लगी मास्टर जी की? बस यही पता चला कि थाने में जाके वो इतना झगड़े कि देखते ही देखते उनके खून की प्यासी भीड़ जमा हो गई। वो तो हेड कांस्टेबल उनका पढ़ाया हुआ था, वही उनकी जान बचा के ले गया और बिछू वाले के मोड़ पे छोड़ाया। बिछू वाले के मोड़ पर क्यों? वो अपनी किसी किताब का मसौदा लाना चाहते थे वहां से। तो फिर हमारे घर में दिखवाया पुत्र? दिखवाया तो था लेकिन वहां कोई है नहीं। जी आप लोगों के जाने के बाद इतना जबरदस्त दंगा हुआ, अब उस गली में कोई नहीं है। तहखाने में झंका था? तहखाना और मास्टर जी, नामुमकिन, वो तो भीड़ का सामना करने वालों में से है। एक बार दिखवा दे पुत्र, मेरे किसी बच्चे को साथ ले जा, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। माता जी अब इनको तो भेजना मत, एक बार दिखा है बहादुरी बहुत है। मैं चलता हूँ आपके साथ। लगता तो ऐसा ही है।
सतवीर। मुझे माफ करना खालिद भाई, मैं कुछ को कुछ बोल रहा हूं, I'm sorry। मैं भी माफी चाहता हूं अपनी ओर से, जमाने की ओर से। सतबीर अपनी आंखों से देखाया, खून के कुछ धब्बे ही ना। भूषण पुत्र, मैं सब समझती हूं कि तुम लोग क्या कहना चाहते हो, लेकिन तुम लोग सब गलत हो। आज तक वादा करके कभी मुड़े नहीं तुम्हारे पिताजी, वो आएंगे जरूर।